नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू। आज हम आपके लेकर आए हैं लेनोवो केट प्लस के कुछ हिडन फीचर और टिप्स, जिससे कि आप अपना फोन और अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में है लेनोवो केट प्लस, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है लेनोवो की तरफ से। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कार्ड में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं इसके कुछ हिडन फीचर और टिप्स, जिससे कि आप अपना फोन और अच्छे से यूज कर पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये फोन काम करता है स्टॉक एंड्रॉइड पे। लेनोवो ने इसमें अपना कोई भी यूआई नहीं दिया है, तो इसमें जो आपको फीचर्स मिलने वाले हैं वो स्टॉक एंड्रॉइड के दूसरे फोन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। नंबर वन, म्यूजिक कंट्रोल की। लेनोवो केट नोट की तरह केट प्लस में भी दिया गया है म्यूजिक कंट्रोल की, जिससे आप म्यूजिक कंट्रोल के अलावा भी कुछ फीचर और यूज कर सकते हैं। और उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा म्यूजिक की का ऑप्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजिक कंट्रोल करने के अलावा आप स्टार्ट फ्लैश लाइट, स्टार्ट कैमरा, स्क्रीन शॉट, स्टार्ट ऐप, इन सारे फीचर्स को भी यूज कर पाएंगे। इन फीचर्स को यूज करने के लिए आपको एक्टिवेट करना होगा किसी भी फीचर्स को। जैसे कि मुझे यूज करना है स्टार्ट फ्लैश लाइट को, तो मैंने इसका एक्टिवेट कर दिया है। और इसे स्टार्ट करने के लिए मुझे लॉन्ग प्रेस करना है म्यूजिक की को, और ये आप देख सकते हैं कि फ्लैश लाइट ऑन हो गया है। और फ्लैश लाइट को ऑफ करने के लिए भी लॉन्ग प्रेस करना है म्यूजिक की को, और फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगा। इससे आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, इससे आप स्टार्ट कैमरा भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। नंबर टू, थिएटर मैक्स। आपको बता दें लेनोवो केट प्लस में आपको मिलता है थिएटर मैक्स का एक्सपीरियंस, तो उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको सिर्फ प्रेस करना है पावर की को। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है वीआर स्प्लिट स्क्रीन मोड का। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, इसकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी वीआर के लिए, और अब आप यूज़ कर सकते हैं इसको किसी भी वीआर में। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हम फ़ोन की किसी भी स्क्रीन को वीआर में यूज़ कर सकते हैं। नंबर थ्री, स्टार्ट कैमरा फ्रॉम द पावर की। आपको कैमरा स्टार्ट करने के लिए सिर्फ प्रेस करना है दो बार पावर की को, और कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल फीचर है जो कि काफ़ी कैमरे का यूज़ करते हैं, और उन्हें कैमरा स्टार्ट करने के लिए पहले लॉक को अनलॉक करना पड़ता है, काफ़ी सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ये किसी भी मोड पे हो, चाहे आप देख सकते हैं ये लॉक मोड पे है, लेकिन मुझे कैमरा स्टार्ट करने के लिए सिर्फ प्रेस करना है दो बार पावर की को, और ये स्टार्ट हो जाएगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, डिस्प्ले के ऑप्शन में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रेस पावर बटन प्रेस फॉर कैमरा, इसको आप ऑन कर दीजिए और आपके लिए ये स्टार्ट हो जाएगा। नंबर फोर, गैस मोड। गैस मोड एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग यूज़र्स के लिए। मीन्स अगर आप चाहें तो एक ही फ़ोन को दो या तीन यूज़र में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मिलेगा सेटिंग्स में। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं यूज़र्स का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे यू मीन्स ऑनर, जो इस फ़ोन में चल रहा है अभी यूज़र, उसका नाम यू ऑनर लिखा हुआ है। और अगर आप चाहें तो ऐड यूज़र करके इसके यूज़र्स को और बढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए सेकंड स्पेस जैसे ही काम करता है। तो यहाँ पर आपको सेट करने के लिए करना होगा सेटअप यूज़र नाउ, और ये वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे कि हमारा नया फ़ोन स्टार्ट होता है। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट, और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया यूजर क्रिएट हो गया है, जहाँ पे लिखा है न्यू यूजर, और पहले वाला जो यूजर है उसका नाम है ऑनर। तो यहाँ पे अभी दो यूजर काम कर रहे हैं, मीन्स मैं चाहूँ तो इसको एज ए सेकेंड स्पेस के लिए यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट यूजर की कोई भी एप्लीकेशन या फिर कंटेंट नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ यहाँ पे न्यू यूजर्स के कंटेंट ही देखने को मिलेंगे। और इस यूजर के पास जो कंटेंट है वो आपको मेन फोन में देखने को नहीं मिलेंगे। और इसे चेंज करने के लिए आपको जाना होगा सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल में, यहाँ से आप इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप देख सकते हैं स्विचिंग टू ऑनर, मीन्स ये स्विच हो गया है अपने फर्स्ट ऑनर की तरफ। नंबर फाइव, सिस्टम ट्यूनर यूआई। ये एक ऐसा फीचर है जो कि आपको फ़ोन में नहीं मिलेगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको करना होगा नोटिफिकेशन पैनल को नीचे। यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, और इस सेटिंग को आपको प्रेस करके रखना होगा। तो यहाँ पे ये वाइब्रेट होगा, और नीचे आप देख सकते हैं कांग्रेस सिस्टम यूआई ट्यूनर हैज़ बीन एक्टिवेटेड। तो अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपके सेटिंग्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम यूआई ट्यूनर के नाम से एक ऑप्शन आ गया है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि स्टेटस बार, डू नॉट डिस्टर्ब और अदर।
स्टेटस बार में आपको काफी सारे फीचर्स मिलेंगे जहां पे आप इन सारे फीचर्स का नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे ब्लूटूथ, डू नॉट डिस्टर्ब, वॉल्यूम, वाईफाई, इंटरनेट, सेलुलर डाटा, एयरप्लेन मोड, इन सभी के नोटिफिकेशन ऑन है। अगर आप चाहें तो इनको बंद कर सकते हैं ताकि आपको ऊपर की तरफ कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे आप चेंज कर सकते हैं सिस्टम ट्यूनर यूआई के थ्रू। एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैटरी का। यहाँ आप देख सकते हैं बैटरी के सिग्नल पे कि आपको बैटरी के परसेंटेज देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं बैटरी की परसेंटेज देखना तो उसे आप सिस्टम ट्यूनर यूआई के थ्रू चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलवेज शो परसेंटेज व्हेन चार्जिंग और डोंट शो दिस आइकन। तो यहाँ पे ऑलवेज शो परसेंटेज पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी का परसेंटेज अब देखना स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा इसमें आपको सेटिंग मिल जाएगी डू नॉट डिस्टर्ब की, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम की के थ्रू। तो आप उसे भी यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अदर की सेटिंग्स मिल जाएगी जिसमें पावर नोटिफिकेशन कंट्रोल को भी आप इसी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। नंबर 6, डबल टैप टू वेक अप स्क्रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि लेनोवो किट प्लस में आपको कोई भी होम की नहीं मिलती है, और अगर आपका फोन पड़ा है इस टाइप से और आपको देखते हैं कुछ नोटिफिकेशन, तो आपको करना होता है इस फोन को इस टाइप से ऑन। लेकिन अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं डबल टैप टू वेक अप स्क्रीन तो आप इस टाइप से नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना होता है सेटिंग्स में, डिस्प्ले के ऑप्शन में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डबल टैप स्क्रीन ऑन, और इसे करना होता है आपको इसको ऑन। नंबर 7, हाइड गूगल स्लाइड। आप देख सकते हैं होम स्क्रीन में आपको एक गूगल का स्लाइड मिलता है जो कि काफी बार इरिटेटिंग होता है, हमें ये स्लाइड नहीं चाहिए। तो इसे हाइड करने के लिए आपको पिनसिन करना होगा होम स्क्रीन को। यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वाइप एक्सेस, इस ऑप्शन को आप कर सकते हैं नथिंग ताकि आपको गूगल स्लाइड देखने को नहीं मिले और आप इरिटेट होने से बच जाएं। और आप चाहते हैं फिर से गूगल स्लाइड को एक्टिवेट करना तो आपको जाना होगा उसी ऑप्शन में, और आप नथिंग की जगह गूगल फीड को सेट कर सकते हैं ताकि आपको वही स्लाइड फिर से देखने को मिल जाए। नंबर 8, एक्टिवेट बैटरी सेवर ऑटोमेटिकली। बैटरी सेवर तो आप सभी यूज़ करते होंगे लेकिन उसे हमें मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ता है, लेकिन इस फोन में आप इसे ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, बैटरी के सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी सेवर, इसे आप जैसे ही एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन ऑटोमेटिकली का। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक है एट 5% बैटरी और दूसरा है एट 15% बैटरी। तो अगर आप इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो अगर आपका फोन 5% या फिर 15% पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली बैटरी सेवर एक्टिवेट हो जाएगा। नंबर 9, लैंडस्केप व्यू ऑन होम स्क्रीन। आपने देखा होगा कि अगर हमने लैंडस्केप मोड को ऑन कर रखा है तो इसके सारे कंटेंट तो आपको लैंडस्केप मोड में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन होम स्क्रीन की कोई भी कंटेंट आपको लैंडस्केप मोड में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन इस फोन में आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। आपको करना होगा पिन चेंज, और यहाँ पे आपको सेटिंग्स के ऑप्शन में अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको जैसे ही आप ऑन करते हैं और आप होम स्क्रीन के मेनू को भी लैंडस्केप मोड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा इसको यूज़ करने का, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट डेस्कटॉप व्यू की तरह, तो मैं इसे अच्छे से यूज़ कर पाऊँगा अगर मैं इसे लैंडस्केप मोड पे रखना चाहता हूँ। और लास्ट नंबर 10 टिप है कैमरा लवर्स के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि K8 प्लस में आपको मिलता है ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप, और इसे अच्छे से यूज करने के लिए आपको करना होगा सेटिंग्स को ऑन, और इसके लिए हमें जाना होगा कैमरा के ऐप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आपके सामने आएंगे दो ऑप्शन, एक है नॉर्मल और एक है डेप्थ इनेबल। और अगर आप चाहते हैं बोके इफेक्ट में फोटोज को क्लिक करना तो आप डेप्थ इनेबल को ऑन करके पिक्चर ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी आपको कैसे देखने को मिल रही है, मीन्स आपको एक अच्छा बोके इफेक्ट के साथ में पिक्चर देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप इसके कैमरे को और अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो ये थे Lenovo K8 Plus के कुछ हिडन फीचर और टिप्स, इसे यूज करके आप अपने फोन को और बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे के ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।